हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का जो लास्ट एग्जामिनेशन होने वाला है वो होगा अप्लाइड मैकेनिक्स का। तो उसके हम 5 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि अप्लाइड मैकेनिक्स हो या जनरल इंजीनियरिंग, यहाँ पर 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सीधा 5 नंबर या उसके हाफ में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सीधा 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो हम कुछ ऐसे ही 5 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, जो आपके अपने एग्जामिनेशन में आपको 4 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। पहले हम बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद हम छोटे क्वेश्चन की तरफ भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद पहले आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें आपकी ही नुकसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सेंट्रोइड तथा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अच्छी तरीके से समझाइए। इन्हें आप बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तभी इसके ऊपर आप कुछ लिख सकते हैं। दूसरा है आदर्श मशीन तथा वास्तविक मशीन में अंतर लिखिए। तीसरा हमारा क्वेश्चन है त्रिभुजी क्षेत्रफल का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने हेतु हमें व्यंजक प्राप्त कीजिए। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों वर्म और व्हील का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशियल स्क्रू जैक्स की कार्यप्रणाली को समझाइए। व्यासांतरी पहिया तथा धुरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन क्वेश्चंस में आपको वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू अच्छी तरीके से निकालना है, विद फिगर विद टाइप सब कुछ अच्छी तरीके से समझाएंगे, तभी आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई कार्ड का परिकेंद्र सारणी बनाकर ज्ञात कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिन्हें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को आप देखने को मिलेंगे, तो इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, वो छोटे चैप्टरों से क्वेश्चन है दोस्तों, वो है ये कि सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है, बलों का त्रिभुज नियम क्या है, लॉमी का प्रमेय क्या है, बलों के बहुभुज का नियम क्या है, लाइफ इक्विलिब्रियम क्या है, बलों का त्रिभुज और चतुर्भुज नियम क्या है। आगे बढ़ते हैं, वो है बल के आघूर्ण, वैरागनॉन प्रमेय, लीवर ब्लैल क्रैंक लीवर, बैल क्रैंक उत्तोलक, घोड़ों का सिद्धांत, और कुछ न्यूमेरिकल जो भी बीम से रिलेटेड है। अगला जो चैप्टर है वो है घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, घर्षण कोण, घर्षण गुणांक, विश्राम कोण, रोलिंग स्थैतिक गति घर्षण और घर्षण के नियम, कुलाम के घर्षण नियम, घर्षण शंकु, प्लस कुछ हल्के हल्के न्यूमेरिकल। तो यही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको देखने को मिलेंगे। आपको 100% ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इजीली आप तैयार कर सकते हैं, इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।